किसान भाइयों नमस्कार। आज हम आप लोगों को एक महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहे हैं। जैसा कि किसान भाइयों आपको पता ही होगा, हमारा चैनल किसान के जो है किसान खेती और बहु नाम से चलता है। दूसरी चीज, हम किसान की हर तरीके से बात रखने का काम करते हैं। इस समय विद्युत बिल पर जो है छूट आई हुई है, जैसे कि आप लोगों के समर के बिल बकाया हैं या घरेलू बिल बकाया है, जैसा कि काफ़ी समय से छूट नहीं आई थी, अब आई है, विभाग ने छूट दी है, तो उसका लाभ उठाएं। इस समय सरचार्ज पूरी तरीके से माफ़ है। बाकी जानकारी के लिए हमारे बाबूजी हैं, अभी आपको बताएंगे। बाबूजी बताएं। हमारे किसान भाइयों से नमस्कार। किसान भाइयों से नमस्कार। कुछ जानकारियां ऐसी हैं जो थोड़ा समय से रहते हुए नहीं पहुंच पाती हैं। इस चैनल के तहत भाई जी ने हमें बुलाया, तो हम आपको कुछ जानकारी जो हमें ज्ञात है हम आपको देना चाहते हैं। जानकारी ये है कि पहले आओ पहले पाओ एक सरकार ने एक विभाग ने चालू किया है, तो इसमें आप अगर जो पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, आते हैं, पूर्ण संपूर्ण जमा बिल जमा करते हैं, बिल पे आपको सरचार्ज की पूर्ण छूट है, छूट आई हुई है। क्योंकि ये एक किसान भाइयों से लंबित बिल जिनके पड़े हुए हैं, किसी कारणों से नहीं जमा कर पाए हैं, घरेलू हैं और अपने टेबल के हैं या दुकान के हैं या निजी कोई संस्थान के हैं, उन पे सब पे छूट आई हुई है। और एक ऊपर से अभी सूचना प्राप्त हो रही हम लोगों को मिली है कि किसान भाइयों को मार्च तक बिल जो नलकूप का है वो जमा करने के लिए बोला गया है, उस पर छूट जो है वो भी आपको दी जा रही ब्याज की, जितना भी लगा है। और पहले आओ पहले पाओ का एक नियम ये है इसमें कि आप लोगों को एक सूचना ये है, पहले आओ कि छूट का सरकार ने एक नियम बनाया है कि पहले 8 नवंबर 2023 से जो छूट लागू की गई है, इसमें आपको 30 नवंबर तक संपूर्ण ब्याज 100% माफी एक साथ बिल जमा करने पे। दूसरा है कि आप अगर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, किस्तों में जमा करना चाहते हैं, किसी कारणवश पैसा नहीं होता है, किसी भाइयों के पास है, फसल कटी है, बीज बोना है और भी कार्य हैं उसमें लगे हुए हैं उनके सबके, तो आप किस्तों से लाभ उठा सकते हैं। पैसा एक साथ नहीं है तो आप 4 किस्तें 5 किस्तें उसको बनवा के जमा कर दें, जिससे धीमे धीमे बिल भी खत्म हो जाएगा पूर्ण पुराना और आपको सुविधा प्राप्त हो जाएगी। दूसरा एक नियम आया है कि 15 तारीख जो है उसको जो छूट है 15 तारीख के बाद की, उस पर हम 90% ही छूट दे रहे हैं, ब्याज का सरचार्ज है और किस्तों पर भी 90% सरचार्ज छूटेगा। इसलिए हम आपसे निवेदन यही करें किसी प्रकार से व्यवस्था करके आप लोग एक साथ जमा करने का कष्ट करें। अब अगले दिसंबर तक जो 31 दिसंबर 2023 तक चलेगी छूट, उसमें भी आप लोगों को छूट दी जा रही है। तो अगले का ये है कि आपको 1 दिसंबर से आपको जो आप किस्तें बनवाएंगे उस पर आपको 80% सरचार्ज की माफ़ी मिलेगी, घरेलू या टेबल पे इसी पे, और कमर्शियल जो दुकान के बिल हैं उन पे भी 80% की छूट है। एक तीसरा चौथा पकड़ा ये है कि 15 दिसंबर से अगर आप एक साथ जमा करते हैं तो आपको 90% की छूट है, अंततः अगर आप किस्तें बनवाते हैं तो आपको 70% ब्याज माफी होगी, सरचार्ज की छूट है, सरचार्ज की छूट है इस पे। अब इसमें एक और है कि आप जिनके किसी पे चोरी का ले है, यानी किसी का अगर जो बाई चांस पकड़े गए किसी चोरी में या कटिया चोरी में है, या आप बकाए का कनेक्शन में काटा गया था, आप चल पाइए 138B की जिसको बोलते हैं विभाग में हमारे, तो उसके तहत अगर आप जो आप जुर्माना बोला गया है तो उस पर आपको 70% की छूट इसमें मिल रही है। अगर जो आप जमा करना चाहते हैं तो जमा करें, उसको जो भी बकाया बिल है, जो भी आपके चर्चा जो आप कहते हैं जुर्माना है, जुर्माना पर भी 70% की छूट है एक साथ जमा करने पे। अगर आप किस्तों में जमा करते हैं तो उसका कुछ परसेंटेज में छूट मिलेगी, लेकिन जो जुर्माना बोला गया उस पर भी छूट है। आप लोग पहले आओ, उसको चक्कर पे आप आइए, अपने उस पर छूट भारी ज़्यादा छूट पाइए। आप किसान भाइयों से यही निवेदन है, घरेलू कनेक्शन है, टेबल कनेक्शन है, जल्द से जल्द अपना इसका पहले आओ पहले पाओ का लाभ उठाएं। आप सर कब तक है रजिस्ट्रेशन? 8 नवंबर से चालू हुआ है पंजीकरण और 31-30 नवंबर तक चालू रहेगा इसका, 30 नवंबर 2023 तक चालू रहेगा। तो आप जल्द से जल्द आएँ, इसको छूट पाएँ। अब जैसे राजस्व निर्धारण है 25% का राशि दी गई है इसमें,
जो जिनका राजस्व का मतलब है जो बकाया है, जिन पर जुर्माना बोला गया है, उस पर भी आपको छूट दी जा रही है। जो चोरी या इसमें आप पाए गए हैं, बकाया किस्त काटा गया तो जुड़े पाए गए थे, जो बकाया होती रहती है विभाग के द्वारा की गई, उस पर है आप जल्द से जल्द छूट पाए इसके लिए। और जो शुरुआत में आप पंजीकरण कराने आएंगे तो उसमें 30% पैसा पहले जमा होगा किस्तें बनने के लिए। उसमें ये भी है कि 30% जितना भी आपका मूल है, बिल है, ब्याज हटा के, उस पर आपका 30% जो वहाँ पे आपका जमा होगा पहले रजिस्ट्रेशन का, 25-30% आपका पहले जमा होगा। तो आप इतनी व्यवस्था अवश्य नहीं है, अगर हो पा रही है आपके पास पूर्ण व्यवस्था, तो आपको 30% 10,000 है तो सब दिन भाई 30 के आप आ जाइए, 3,000 की मतलब 27 की होगी, आप ले जमा कर रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएंगे भाई। जिससे कि छूट, अगर पैसा नहीं है तो आपको अगले 3-4 किस्तें बनवाएंगे तो उसका छूट का लाभ उठा सकें। तो आप जैसा भी आपको बताया गया इसमें छूट दी जा रही है। अब अभी देख रहे पूर्ण जमा पे लिखा 100% है, आप जो LMB1 हैं और 1 किलोवाट के कनेक्शन हैं उनको पूर्ण 100% ब्याज माफ़ी है, और जो 1 किलोवाट से अधिक हैं उनको किस्तों पे 80% की छूट मिलेगी। 3 किस्तें अगर बनवाते हैं तो ब्याज में 80% की छूट दी जाएगी 1 किलोवाट से ऊपर घरेलू कनेक्शन वालों को। अधिक भार जिनको कहते हैं, जिनके घर में अधिक भार 2 किलोवाट 3 किलोवाट है कनेक्शन, लोड अधिक है उनको, अपने नजदीक के उपकेंद्र जाएं, CSC पे जाएं, या अपने मोबाइल से online.com पे जाएं, अपने उस पर आप जमा कर सकते हैं, अपने आप सुविधा है। बस इतना हम यही हम लोग कहना चाहेंगे कि जो लाभ आया है जल्द से जल्द अपना लाभ उठाएं, क्योंकि जितना ही आप देर करेंगे उतनी ही कम छूट आपको प्राप्त होगी। आगे अगर 15 दिसंबर के बाद आप आते हैं, 16 दिसंबर बाद तो किस्तें बनवाएंगे तो उसमें आपको 40-60% ही छूट मिलेगी। आप लोग यही, हम यही निवेदन करना चाहेंगे सभी किसान भाइयों, घरेलू कृषि उपभोक्ताओं से, विद्युत उपभोक्ताओं से, हम यही कहना चाहेंगे कि आप अपना बिल जल्द से जल्द जमा करने की व्यवस्था करें। धन्यवाद जी, धन्यवाद किसान भाइयों का।